अभी जो है वो हम हैं बनूरी में, और आज बेसिकली हम जा रहे हैं कुल्लू साइड। और काफ़ी टाइम के बाद ये ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है काफ़ी टाइम के बाद आपको ये ट्रिप देखने को मिल रहा है। आपको फुल मतलब व्यू दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे ही हम जहाँ पे जा रहे हैं अभी तो सस्पेंस है जा कहाँ रहे हैं, बट जा ऐसी जगह रहे हैं जहाँ पे मतलब आप सोच नहीं सकते। मंडी है यहाँ से 78 किलोमीटर, और हमें लगेगा लगभग लगेगा मंडी पहुँचने में लगेगा 1.5 घंटा, रास्ते में पड़ेगा जोगिंदर नगर जो कि है 21 किलोमीटर। और अभी हम हैं बैजनाथ में जहाँ पे शिव मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। अभी जो है वो अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है और टाइम हो चुका है 10, ब्रेकफास्ट किया हमने यहाँ पे। ये है रास्ता, ये जाता है मनाली के लिए 107 किलोमीटर है, कुल्लू 67 किलोमीटर, पराशर जो है वो 51 किलोमीटर है, और मंडी हमने यहाँ से जाना होगा। बट हम जा रहे हैं अभी मनाली की साइड, ठीक है। अभी हमें ट्रैवल करना है 67 किलोमीटर। ये शॉर्टकट है, रोड पता नहीं कैसा है। जो है वो पराशर झील जो है वो है 48 किलोमीटर। अभी हम जाएंगे पराशर झील की साइड से, और पराशर झील जो है यहाँ से है 48 किलोमीटर, और काफ़ी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस है ये, मतलब अगर आप पालमपुर से ट्रैवल कर रहे हैं तो कुल्लू के लिए। बट अभी भी आपके दिमाग में ये होगा कि ये बंदे कुल्लू जा रहे हैं, बट हम कुल्लू नहीं जा रहे, कुल्लू से भी बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं हम, और उसको बोला जाता है डेंजरस विलेज ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा है कि वहाँ पे जो मतलब वो जगह है वो इंडिया में तो आती है बट वो मानते नहीं है कि वो इंडिया। अभी जो है वो हमने लिया था छोटा सा हॉल्ट, अभी जो है वो अपना डिस्टेंस जो है वो रह चुका है 2 से 3 घंटे का। इसको बोलते हैं सैलडू, सैलडू होता है ये सूखा घास। अभी जो है वो हम वादियों में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे ऊपर तक, बहुत बढ़िया रास्ता। और ये IIT का रास्ता है, मंडी में जो है IIT उसका रास्ता है, और इसी रास्ते पे आपको प्रेशर भी पड़ेगा। तो आपको बताते हैं कि आगे कहाँ से निकलता है वो रोड, ये IIT के लिए रास्ता जाता है यहाँ से, और यहाँ से अपना डिस्टेंस है कुल्लू तक का, बट हम कुल्लू नहीं जाएंगे। सामने जो है ये सारा कैंपस है, देख सकते हो वो लाइब्रेरी है इनकी, एरिया काफ़ी ज़्यादा है इनका, कवर काफ़ी किया हुआ है इन्होंने, और गेम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ग्राउंड है यहाँ पे, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। देख सकते हो आप, ये है रास्ता मंडी कुल्लू प्राशन। ये है भाई कुल्लू, 43 किलोमीटर रह चुका है, और हम जा रहे हैं यहाँ से 25 किलोमीटर, और ये जो रास्ता है ये आप देख सकते हो ये जाता है पराशर के लिए, और हम जा रहे हैं कुल्लू की तरफ। पराशर जो है वो एक ऋषि थे, उनका मंदिर है यहाँ पे पराशर ऋषि। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी जो है एक्चुअली हम पहुंच चुके हैं बजौरा में, और यहाँ से हमें जाना है जरी की साइड जो पड़ेगा कुल्लू से थोड़ा पीछे, और हम जो है वो अभी 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे है उस शहर में पहुंच जाएंगे, और उसको डेंजरस गांव भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको बताऊंगा मैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये हम डायरेक्टली हाईवे से मिल चुके हैं अभी, यहाँ से अपने को जो है
लेना है टर्न लेफ्ट साइड और बाज़ार आएगा, बाज़ार से आपको चलना है सीधा और यहाँ से आई थिंक कुल्लू होगा 32 किलोमीटर। यहाँ पे जितना भी आपको साइड में जितना मतलब पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे बस सेब ही सेब है। अभी आजकल तो है नहीं बट जब इसका सीज़न होता है तो सेब सेब लगे होते हैं। यहाँ से भुंतर जो है एयरपोर्ट जो है वो पास में ही है, हम पहुँच चुके हैं भुंतर में और कुल्लू जो है वो यहाँ से है 12 किलोमीटर और ये है अपना कुल्लू का एयरपोर्ट, इसको बोला जाता है भुंतर एयरपोर्ट। ये सामने आप देख रहे हैं बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू फ्लाइट्स जो है वो चली रहती हैं, दिन की 3 से 4 फ्लाइट्स हैं यहाँ पे। आजकल पहाड़ों का कलर आप कुछ ऐसा दिख रहा होगा पेंटेड सा, पेंटेड तो नहीं है बट ये आजकल पतझड़ मतलब टाइप हो गई है और पत्ते जो हैं वो पेड़ों को छोड़ चुके हैं और वाइट जो है वो मट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये जो है ये है कुल्लू का बहुत ही फेमस पुल जो कि लोहे से बना हुआ है, काफ़ी पुराना पुल है और काफ़ी लंबा भी है आप देख सकते हो। और इसके नीचे बहती है पार्वती रिवर जो कि कुल्लू को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, तो इंजॉय करिए इस व्यू को और आगे से हम टर्न लेंगे। यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, पता नहीं क्या करते हैं समझ भी नहीं आता भाई। ये जाता है मनाली के लिए रास्ता, ये मणिकरण के लिए रास्ता है, देखिए 33 किलोमीटर बट हम पीछे से ही मुड़ जाएंगे। हम जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से जाएंगे हम अंदर में, अभी जो है वो देखते हैं पहले कुछ खा पी लें। बीएस ढाबा फूड दिख रहा है मेरे को, लगा दिया और यहाँ पे है शिव स्ट्रीट्स फूड पॉइंट और ये मलाना के बिल्कुल जैसे अंदर को एंटर होते हैं जरी के ही पास में है और यहाँ पे हम खाएंगे। यहाँ पे मिलती है ये भाई मेहनत ने ख़त्म कर दिया है, चटनी बहुत पसंद आई इनको। रास्ता मलाना के लिए यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट भी है। काफी पथरीला है यहाँ पे, तो मेगावाट का जो है वो ये प्रोजेक्ट है। जोखिम भरा रास्ता हर जगह जो है, जब मतलब वो आई थी तबाही आई थी तो देख सकते हैं आप सारा लैंडस्लाइड जो है वो उसी के हैं भाई। इस बार हिमाचल में काफ़ी नुकसान हुआ है आपको पता ही है। रास्ता भाई बहुत ही खराब है यहाँ पे, सारा रास्ता जो है वो इस बार बरसात में गिर गया था, तो आप देख सकते हो ये नया बना हुआ है अभी।
और अभी जो है वो यहाँ पे टनल आ गई है, ये टनल आपकी आती है यहाँ पे, और ये सकता ओ भाई साहब ये है टनल यहाँ पे अपना। आप भी धूल है यहाँ पे, एक और ब्रिज, रास्ता बड़ा खराब है भाई, बाकी सब ठीक है, रास्ता बहुत खराब है। ये जो ट्रॉलीज है ना, ये किस लिए यूज होती है पता है? ओहो तो भाई का मंजर जो है वो आप देख सकते हो, तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, व्यू पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे काफी अच्छा झरना है, वो सामने नजर आ रहा होगा आपको। तो इसके लिए जो रास्ता है वो आगे से एक ट्रैक जाता है, अचानक मंजर सारी की सारा घर जो है वो नीचे जा चुका है। तो डेस्टिनेशन पे जो है वो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है पार्किंग और पीछे से था रास्ता, तो अभी देखते हैं चल के। तो अभी जो है वो हम मलाना पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 3:30 हो चुके हैं, और ये है मेन गेट, और अभी चलते हैं विलेज की तरफ। तो ये है छोटी सी हाइक मलाना गांव के लिए, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहाँ से हमें लगेगा कम से कम आधे से एक घंटा ऊपर जाने के लिए। ये देख सकते हो आप, पार्वती नदी में जब तबाही आई थी तो क्रेन जो है वो ऊपर से आई थी, ये क्रेन है, और ये साथ में ही रास्ता है, रास्ता खराब है जी। और ये एक बंदे पहुंच चुके हैं, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वेलकम टू द विलेज, या वेलकम टू मलाना विलेज। तो यहां से जो है वो विलेज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आने से पहले काफ़ी ज़्यादा बातें सुनी थी कि जैसे कि यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, यहाँ पे ये होता है वो होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज और मतलब मिल के चलने वाले लोग हैं, तो आप जब भी आओ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे ऐसा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप कुछ पूछोगे तो खुशी खुशी बताएंगे आपको, और आपके पास खुद आएंगे चल के। तो ये है मेन मंदिर, बंदे पहुंच चुके हैं मलाना की गलियों में, और ये देख सकते हो लोगों ने क्या किया हुआ है, लकड़ियां इकट्ठी करके रखी हुई हैं, सर्दियों में यही काम आती हैं। पहले यहाँ पे कच्चे घर हुआ करते थे, बट अब टाइम के साथ यहाँ भी चेंजेस जो हैं वो होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं, क्योंकि हर पहाड़ी के बीच में एक गांव बसता है, और इस गांव का नाम भी है मलाना। तो ये गांव बहुत ही प्यारा है, हर तरफ से पहाड़ी हैं और बीच में ये गांव है, और सनसेट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये है इनका मेन, जो मतलब कि ये है वॉक अराउंड आपको मलाना का करवा रहे हैं हम। तो ये है मंदिर सामने, और आसपास जो है वो भी मंदिर हैं, बट यहाँ पे बैठती हैं सबाहें, मतलब कि सभा बैठती है यहाँ पे, और यहाँ पे हर डिसीजन लिया जाता है, अच्छा और बुरा। भाइयों यहाँ पे ये लगा हुआ हेम्प का प्लांट,
ये जो प्लांट है इसकी एक अलग पहचान है। इसका जो स्टेम होगा ये बहुत ही मोटा होगा, जो हमारा ट्रेडिशनली लगा होता है ना प्लांट, उसकी जो स्टेम होती है बिल्कुल पतली होती है। और आप इसकी स्टेम देख सकते हो, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा और THC भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो ये जो प्लांट है इसको हम एज अ फाइबर भी यूज़ करते हैं और इसको एज अ बहुत जगह इसका यूजेज आता है, क्लोथ से लेकर मेडिसिनल यूजेज काफ़ी यूजेज है इसका। और THC जो पोटेंसी है इसकी प्लांट में बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप ये देखिए कितना मोटा है, ये देखो आप देख सकते हो, आप देखोगे अपने जो ट्रेडिशनल होता है उसमें काफ़ी पतला स्टेम होता है, वो तो ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे धागे की तरह होता है, बिल्कुल धागे से थोड़ा सा बड़ा, और ये काफ़ी मोटा स्टेम है। आजकल के टाइम पे मैंने देखा कि हैम्प से काफ़ी चीज़ें बनाई भी जा रही हैं, फाइबर, हैम्प क्लोथ्स, हैम्प कॉस्मेटिक्स तक आज तक मतलब चालू हो चुका है अभी तो। क्लोथ्स वगैरह में भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये कैरी बैग्स हो गया और भी काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ हो रहा है। तो इसको हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो भी इसको प्रोत्साहन जो है वो कर रही है आगे लेवल पे। तो हिमाचल ने भी अभी प्रस्ताव रखे हुए हैं, अभी देखते हैं क्या चलता है। अभी प्रस्ताव तो रखे हुए हैं कल्टीवेशन लेवल पे, तो अभी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो भी गया हुआ ये। तो ये मेडिसिन में भी काफ़ी यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि लोग इसको मतलब नशे के लिए यूज़ करते हैं और इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इसका ऐसे आयुर्वेदिक और इन चीज़ों में भी काफ़ी इसका यूज़ है। यहाँ पे एक छोटा सा हाउस देख सकते हो, कैसे बंदों ने कारीगरी की है, यहाँ पे पत्थर है और पत्थर के नीचे पत्थर लगा के घर बनाया है, घर तो नहीं बोल सकते, एक छोटा सा रूम बनाया है। वेंटिलेशन इसमें है नहीं, दरवाज़ा ही खोलना पड़ेगा। तो अभी जो है वो हम आ चुके हैं रिटर्न टू मतलब मलाना विलेज से हम रिटर्न आ चुके हैं और यहाँ पे एक कैफे है, साथ में बह रही है पार्वती रिवर। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। आगे का सफ़र भी यूं ही चला रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड।